हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद शबीना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करिए ताकि मेरे वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपके पास आए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। आज मैं बनाऊँगी डिलीशियस सॉफ्ट वाइट ग्रेवी मलाई कोफ्ता। आप देख ही सकते हैं ये कितना सॉफ्ट दिख रहा है, और इसे मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनती है। यहाँ पे मैंने दो आलू को बॉईल करके ठंडा कर लिया, और अब मैं इसके मैश कर रही हूँ। ये आलू ठंडा ही रहना चाहिए, तभी आपके कोफ्ते अच्छे बनेंगे। अब हम पनीर को ग्रीस कर लेंगे। पनीर ग्रीस करके ही हमें यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला दो ग्रीन चिली, कुछ चॉप्ड किए हुए धनिया पत्ते, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून गोलकी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून मैदा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 9 से 10 काजू, 9 से 10 किशमिश, इसे मैंने चॉप कर लिया है। तब हम बनाएंगे बॉल्स। तो यहाँ पे मैंने बॉल बना लिया, और अब मैं इसमें फिल करूँगी चॉप किए हुए काजू और किशमिश। अब इसे हम कवर कर लेंगे मैदा से। और अब हमें सारे मिक्सचर का उसी तरह से बॉल बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारे मिक्सचर का उसी तरह का बॉल बना लिया है। अब हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है रिफाइन ऑयल। इसे लाइट ब्राउन करना है, और इसे बिल्कुल हल्का हल्का जलाए, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इस वजह से टूटने का डर रहता है, इसीलिए हम इसे बिल्कुल आराम से चलाएंगे। और ये हल्की हल्की लाइट ब्राउन हो चुकी है। और ये पूरी लाइट ब्राउन हो चुकी है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 4 प्याज, और इसे मैंने रफली कट कर लिया है, क्योंकि हमें ग्रेवी बनाना है। तो अब हम इसे बॉईल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है 4 हरी मिर्च, 9 से 10 काजू, नमक स्वाद अनुसार, गोलकी 15 से 20। और अब हमें इसे बॉईल करना है 15 से 20 मिनट के लिए। इसे हमें बॉईल करना है, और अब ये बॉईल हो चुकी है, तो अब हम इसे ठंडा होने देंगे। और ये ठंडा हो चुकी है, तो अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन में लिया है 2 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल। हाफ टी स्पून जीरा, 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी, 1 इलायची। और अब यहाँ पे जो हमने पेस्ट बनाया था उसे हम डाल देंगे। इसे हमें चलाते रहना है। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 बाउल दही। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और यहाँ पे मैंने डाला है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है, चलाते रहना है हमें। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 बाउल मलाई,
अब हम डालेंगे नमक। हम नमक पहले भी डाल चुके हैं, इसीलिए हम पहले से थोड़ा कम डालेंगे, पर फिर भी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं नमक। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 1 कप वाटर। अब हम यहाँ पे अपने सारे फ्राइड कोफ्ता को डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है धनिया पत्ते चॉप्ड किए हुए। हमें जो बिल्कुल सॉफ्टली मिक्स करना है, क्योंकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट है, तो उसे टूटने का डर है हमें, इसीलिए हम बिल्कुल आराम से इसे मिक्स करेंगे। तो अब ये रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसे सर्व करते हैं। और इसे गार्निश करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ धनिया पत्ते। और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और आप देख ही सकते हैं ये कितना डिलीशियस लग रहा है। और इसके कोफ्ते जो है वो भी बहुत ही सॉफ्ट है, और इसकी जो ग्रेवी है वो भी बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी है। तो आप इसे घर पे ज़रूर से ट्राई करिएगा। और इसे मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आप लोगों को बताया है कि मलाई कोफ्ता कैसे बनती है। हमारी जो वाइट ग्रेवी मलाई कोफ्ता है वो रेडी हो चुकी है।